गांव में बघेर आया, गांव में बघेर आया, अरे दिल्ली में काला बंदर आ गया, दिल्ली में काला बंदर आ गया, उठा के ले जा रहा है। एक कुएं में एक भेड़ गिर गई तो सारी भेड़ उसी कुएं में गिरने लग जाती हैं। ऐसा ही माहौल बार 25 जो अगस्त है उसके दौरान देखने को मिल रहा है। शुक्रवार से एक जो पोस्ट है फेसबुक पर काफी ट्रेंड कर रही है। फेसबुक पर जो पोस्ट ट्रेंड कर रही है वो क्या है, बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी पोस्ट डाल रखी है, उसमें कितनी सच्चाई है कितनी झूठ है। तो इस वीडियो को छोटा सा आगे पूरा देखें, मैं इसे क्लियर करने वाला हूँ, क्योंकि लोग भेड़ चाल चल रहे हैं। फेसबुक पर एक ट्रेंड चल रहा है कि फेसबुक ने न्यू अपडेट की है, मेटा आ रही है, मेटा अपनी गूगल फोटोज वगैरह, आपकी जो इमेजेस वगैरह, उनको कमर्शियल यूज के लिए फेसबुक यूज करने वाला है। तो इसके लिए आप एक पोस्ट टाइप करें और फेसबुक को डालें, तो वो आपकी फेसबुक जो पोस्ट वगैरह है उसे यूज नहीं करेगा। तो ऐसा कभी हो सकता है कि आपके एक पोस्ट डालने से फेसबुक यूज नहीं करेगा? जो लीगल तरीके से या इनलीगल तरीके से जो इन्हें यूज करनी होती है, जैसे ऐप ले लो या कोई भी सोशल मीडिया ले लो, किसी न किसी तरीके से कहीं ना कहीं तरीके से यूज करते रहते हैं, तो वो चीज़ें अपनी रहती हैं उसमें, वो अपन उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। वो कहीं ना कहीं से आपकी पॉलिसी, आपकी जो सिक्योरिटी की चीज़ें हैं, आपकी वो जो आपकी पर्सनल कुछ भी हैं, वो इनलीगल तरीके से भी बहुत सारी चीज़ें हैक करके भी यूज़ कर लेती हैं। आपकी एक पोस्ट डालने से ये नहीं होगा। जो पोस्ट अभी ट्रेंड कर रही है, वायरल हो रही है, तो मैं थोड़ा सा आपके बता दूं कि इसमें क्या हो रहा है। ये देखिए, इसमें ये आ रहा है कि मैं ये मेरा नाम है, फेसबुक अकाउंट, मेटा अकाउंट, ट्विटर, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, किसी भी प्लेटफॉर्म को ये सूचित करता हूँ कि फेसबुक को मेरी किसी भी पोस्ट, मेरी किसी भी पेज आदि पर कॉपीराइट नहीं दे रहा हूँ। ये सब मेरी मौलिक रचनाएं हैं, मेरी सृजनात्मक और क्रिएटिविटी बौद्धिक संपत्ति है। मेरी कविताएं, मेरे लेख, मेरे स्वयं के चित्र, मेरे परिवार के चित्र, मेरी निजी फ़ोन नंबर, किसी को किसी भी प्रकार से प्रयोग करने की, शेयर करने की अनुमति कभी नहीं दे रहा हूँ। मेरा ईमेल, फ़ोन नंबर, लोकेशन, मेरी निजी जानकारियाँ, मेरी प्रोफाइल शेयर करने की मेटा या फेसबुक या किसी ऑनलाइन मीडिया को अधिकार नहीं दे रहा हूँ शेयर करने के लिए। ये मेरी अपनी बौद्धिक संपत्ति है और प्राइवेसी के अंतर्गत ये मेरी संपत्ति है, इसका किराया हम चुकाते हैं। मेरी कोई पारिवारिक सूचना, निजी मामला, मेरी ये सब तस्वीरें मेरी निजी संपत्ति है। याद रखें कि कल से नया फेसबुक नियम उर्फ नया नया मेटा शुरू हो रहा है, जहां वे अपने तस्वीरों को यूज कर सकता है। मत भूलें कि अंतिम तिथि आज है, यानी कि शुक्रवार की तिथि बताई गई है। मैं फेसबुक या फेसबुक से जुड़ी किसी भी इकाई को अपने अतीत, भविष्य में चित्रों, सूचनाओं या संदेशों प्रकाशित या उपयोग करने की अनुमति नहीं दे रहा हूं। और भी इसने लिखा है, निजात उल्लंघन करने पर कानूनी दंडित किया जा सकता है। तो ये फिर धन्यवाद है, फिर नाम है। तो देखिए दोस्तों, मेटा का जो वर्जन है, मेटा जो है, मेटा वर्जन है फेसबुक का, काफ़ी समय पहले ही फेसबुक ने लॉन्च कर चुका है। आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पे भी नीचे लोगो मेटा का लगा हुआ होता है, क्या कि इंस्टाग्राम और फेसबुक और व्हाट्सएप, ये आपका मेटा है, ये मेटा पहले ही कन्वर्ट हो चुका है। अभी कोई ऑफिशियल ऐसी कोई मेल या फेसबुक की तरफ से कोई सूचना नहीं आई कि हम आपकी निजी जानकारी, निजी फोटो या इनकी आप किसी इनको हम अपने किसी भी प्लेटफॉर्म पे यूज करने वाले हैं। ये एक किसी के द्वारा फैलाया गया प्रेगेंडा है। किसी ने एक पोस्ट डाली, लोगों ने उसी पोस्ट को कॉपी कर करके अपने पेज पर अपना नाम ऐड करके डालना शुरू कर दिया, जो ये बिल्कुल भी सही नहीं है, इसके कोई मतलब नहीं है। कहीं कहीं ने तो ये डाला कि आप 100 रुपये के स्टैम्प पर लिख के दोगे तब मार्क जो जुकरबर्ग जो है इसे वैलिड करेगा, वो आपकी संपत्ति को नहीं करेगा। कोई 500 के स्टाम्प के लिए बोल रहा है, तो ये सब फेक है, एक भेड़ चाल है। इस भेड़ चाल में आप न फंसे, कोई मतलब वाली चीज़ नहीं है। ऐसा कोई फेसबुक की तरह ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है। और मैं आपको बता दूं, मैंने भी इस पे काफ़ी रिसर्च किया, ऐसी कोई मेल या कोई जानकारी नहीं है, ये एक फेक न्यूज़ है। सोशल मीडिया पर एक दूसरे को देखकर कॉपी करके पोस्ट को रिपोस्ट किया जा रहा है, कॉपी पेस्ट किया जा रहा है। तो आप इस भेड़ चाल का हिस्सा न बने, आपकी जो भी जानकारी है वो पूरी तरह से सेफ है।
जितनी सेफ है उतनी हम जानते हैं कि उतनी सेफ है, बल्कि किसी भी कंपनी, गूगल ले लीजिए, फेसबुक ले लीजिए, आपका जो निजी जानकारी है वो डेटा के तौर पे कहीं ना कहीं इस्तेमाल जरूर करता है, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। क्योंकि जब भी आप अकाउंट बनाते हैं तो पहले वो आपकी जानकारी ले लेता है, तो कहीं ना कहीं आपकी जानकारी को ज़रूर यूज़ करता है। बाकी फेसबुक पे इतनी ऐसी कोई जो वीडियोज हैं वो आपकी को कहीं पर यूज़ नहीं करने वाला है, तो इससे टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई पोस्ट डालने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो में यही था, इसे अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर टैग करें, शेयर करें, ताकि वो भी इससे बचें, और लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।